गाजीपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मरीजों के मिलने का क्रम लगातार बना हुआ है। ऐसा कोई दिन शायद ही गुजर रहा है जब नए मरीज नहीं मिल रहे। हालात ये हैं कि गाजीपुर में केवल पिछले 7 दिनों में ही कोरोना वायरस संक्रमण से 100 नए मामले देखने को मिले हैं। सोमवार को भी गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के कुल 9 नए मामले देखने को मिले हैं। इसमें से एक जगह तो एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आइए आपको विस्तार से इन सभी 9 मामलों की जानकारी देते हैं। ये भी बताते हैं कि गाजीपुर में ये नए मरीज कहां के रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ही परिवार में मिले 3 कोरोना मरीजों की। ये तीनों अमहट बाराचवर की रहने वाली हैं। बता दें कि इनके परिवार में पहले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा परिवार के सदस्यों की जांच कराई गई, जिसमें परिवार की 3 महिलाएं पॉजिटिव पाई गईं। इन तीनों के अलावा 2 मरीज कादीपुर कासिमाबाद की रहने वाली हैं। इनकी डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री रही है। सिद्धौत कासिमाबाद से 1 मरीज है जिनकी विदेश ट्रैवल हिस्ट्री रही है। इसके अलावा एक और मरीज सिपाह कासिमाबाद की है। 1 मरीज अमेहता सैदपुर और 1 जफरपुर वार्ड नंबर 5 मोहम्मद अबद की रहने वाली हैं। इन दोनों की डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री है। इस हिसाब से देखें तो गाजीपुर में कुल 289 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से 171 ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद गाजीपुर में कुल एक्टिव केसेस 118 हो गए हैं। कोविड-19 के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि जिस तरह से गाजीपुर जिले में मरीज मिल रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। उन्होंने बताया कि सभी को मोहम्मदाबाद के कोरोना लेवल 1 अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहने की कोशिश करें और बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। गाजीपुर में कोरोना संबंधित हर जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।